दोस्तों बीएड परीक्षा से ठीक एक दिन पहले साकेत महाविद्यालय का परीक्षा का बहिष्कार करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी परीक्षाएं रद्द होंगी। माफ कीजिएगा, मेरे जो वीडियो सेंड करने का मकसद ये था कि जो सूचनाएं हैं आपके विश्वविद्यालय से संबंधित मैं वो आप तक पहुंचा दूं। उसमें कहीं आपको ये नहीं कहा गया कि परीक्षाएं रद्द होंगी। पहले चीज़ क्या, आप इस तरह से पैनिक जैसे कुछ भाई बहन पूछ रहे हैं कि क्या एग्जाम होगा कि नहीं होगा, कब होगा, कहाँ होगा और ये सारी चीज़ें। दोस्तों आपसे उसमें कहीं, आप पहले चीज़ों को समझिए। देखिए, साकेत महाविद्यालय में 28 परीक्षा केंद्र निर्धारित है, जो कि साकेत महाविद्यालय की मांग ये है कि ये ज़्यादा है। दूसरी बात, लगातार परीक्षाएं होने से यहाँ की पढ़ाई व्यवस्था थोड़ी सी ठप है, वहाँ पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो साकेत महाविद्यालय की मांग ये है कि केवल विश्वविद्यालय के बच्चे यहाँ परीक्षा दें, बाकी बच्चे दूसरे, ये उसकी मांग है। दूसरी ये बात है कि साकेत महाविद्यालय का ये कहना है कि पिछले 3 साल से जो मानदेय मिलना था परीक्षा निरीक्षक को, उनको वो मानदेय नहीं मिले, तो ये इनकी मांग है। आपका क्या है, आपका एग्जाम्स अवध विश्वविद्यालय कंडक्ट कराना है। अवध विश्वविद्यालय की तरफ से कोई ऐसी सूचना नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, भ्रम में ना रहिए। अगर आपको लगता है कि उस मेरे वीडियो से अगर आपके दिल में शक हो तो मैं उस वीडियो को भी डिलीट कर दूंगा, ठीक है। बिल्कुल आप देखिए, मैं सिंपल सी बात करूँ, आपको एग्जाम्स अवध विश्वविद्यालय कंडक्ट करा रहा है, साकेत महाविद्यालय की ये मांग है, ये बहुत मांग है, तो ये बहुत जल्दी हल हो जाएगा। मे बी आपस में बात चल रही हो, जैसे ही कोई सूचना मिलेगी आपको बता दिया जाएगा। बस उस वीडियो के पोस्ट करने का मतलब क्या था कि आपके पास सूचना मिले कि चीजें क्या चल रही है, क्या न्यूज है, वो बताने का मकसद था। उसमें कहीं भी एग्जाम्स कैंसिल हो गए। हाँ, साकेत महाविद्यालय बड़ी मजबूती के साथ अपनी मांग रख रहा है कि परीक्षाएं का बहिष्कार किया जाएगा। साकेत महाविद्यालय इस बात की मांग रख रहा है, लेकिन हाँ अवध, चूंकि 28 कॉलेजेस, सोचिए 28 कॉलेजेस के बच्चे कल पेपर देने वाले हैं और 28 कॉलेजेस के बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, तो परीक्षा कैंसिल होगी इस बात की कोई सूचना नहीं है, इस बात की कोई संभावना भी नहीं है। लेकिन हाँ, साकेत महाविद्यालय की क्या मांग थी इसकी सूचना मैंने आपको दे दी। तो प्लीज आप अपनी तैयारी जारी रखिए, जारी रखिए। इवन मैं खुद इस चैनल पे फर्स्ट पेपर के जो क्वेश्चन छूट गए थे उसको हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। परीक्षा की तैयारी आप स्वयं जारी रखिए, ठीक है। मैं खुद परीक्षा की तैयारी में जो भी चीज़ें हैं उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ। जो सूचना थी साकेत महाविद्यालय के परीक्षा बहिष्कार का, जो बातें थी जो पेपर में आ जाई थी, वो खबर मैंने आपको उस वीडियो के माध्यम से पहुँचा दी। इसमें आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि एग्जाम्स कैंसिल हो गया या फिर आपका सेंटर चेंज हो गया। देखिए, एडमिट कार्ड बट गया है, लगभग सबके बच्चों को एडमिट कार्ड मिल गया है। अब यहाँ से कैंसिल होना लगभग असंभव है, लेकिन बातें होंगी, चल रही हैं, ठीक है। साकेत महाविद्यालय और अवध विश्वविद्यालय आपस में बातें होंगी, जो भी इनके मसले होंगे वो सुना जाएगा और हल निकल जाएगा, इट्स फाइन। ये अभी पूरा 24 घंटे का टाइम है, तो आप अपने नियमित तौर पर अपनी पढ़ाई जारी रखिए, इवन और तेज़ी से जारी रखिए, ठीक है। कल अपने नियमित समय पर अपने परीक्षा केंद्र पर जाइए, आपको इस खबर से कुछ लेना देना नहीं। मैं बस सूचना आपको दे रहा था, बाकी ऐसी कोई बात नहीं थी, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है अब कोई भी बच्चा इस भ्रम में नहीं है कि उसका परीक्षा कैंसिल हो गया है, बीएड की परीक्षा, इस भ्रम में कोई नहीं है और कोई रहना भी नहीं चाहिए। आपका एग्जाम अवध विश्वविद्यालय कंडक्ट कराएगा और आप इसी की बातों पे आप यकीन करेंगे, जब तक कि ऑफिशियल अवध विश्वविद्यालय कोई घोषणा नहीं कर देता। तो इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिए कि परीक्षाएं रद्द है, परीक्षाएं होंगी होंगी होंगी, जब तक अवध विश्वविद्यालय कोई इस पर टिप्पणी नहीं करता। साकेत की जो मांग थी उस पर सुनवाई होगी, चर्चा होगी और जो भी फैसला निकलेगा आपको बता दिया जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गई, पढ़ाई जारी रखिए, ठीक है दोस्तों। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 1 लेके यूनिट 5 तक, हर एक क्वेश्चन को पढ़िए, शॉर्ट क्वेश्चन, और उसको देखिए, हर एक क्वेश्चन को भी आप पढ़ना है, ठीक है। जय हिंद जय भारत दोस्तों। प्लीज आप बिल्कुल इस भ्रम में मत रहिए कि परीक्षाएं कैंसिल है, नहीं है, ठीक है। आप अपनी तैयारी जारी रखिए और इस चैनल पे वीडियो अपलोड होंगी क्वेश्चन को लेकर, वो भी आप जरूर देखिए, शायद उसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जय हिंद जय भारत दोस्तों।